फेमस आइकॉनिक अवार्ड्स हैं और राज राजपूत जी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे आज जो मैंने देखे, अलग अलग फील्ड से, वेदर देवर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मॉडल्स, बॉडी मेकअप आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, इतने कोई यू नो कहीं और से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, कोई पटना से आए हैं, बहुत अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोफेशन के लोग। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने ये देखा कि एक बहुत अच्छी चीज़ बोली गई कि सपने सब देखते हैं और उड़ने के लिए कुछ एक जज्बा चाहिए होता है। जो एक जज्बा ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक एनकरेजमेंट दे रहे हैं सबको, बहुत अच्छा है। हर इंसान के भले ही छोटे या बड़े सपने हों, उनको उड़ान देने के लिए कोई चाहिए होता है, कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। और ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग द फैंटास्टिक जॉब दैट यू आर डूइंग एंड एनकरेजिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जहाँ कितने सारी जगहों से लोग आए हैं, सबको एनकरेजमेंट मिल रही है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे आई थिंक इंस्पिरेशन आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, किसी इंसान में, किसी किताब में, किसी एक बहुत छोटी सी चींटी में भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जो इतना हार्डवर्क करती है, जिसको पता है उसका गोल क्या है, उसको कहाँ जाना है। एक बर्ड से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, कहीं भी आप इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है और सिमन जी से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा अवार्ड यहाँ पे बॉम्बे में हो रहा है, जिसकी जानकारी मुझे तो थी ही नहीं। और जब भी अपने काम को सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है और मैं चाहूँगी कि आगे और अच्छी तरह से सब इवेंट हो और मैं और मेरे साथ और भी लोग जुड़े, ऐसी मैं चाहत रखती हूँ। थैंक यू। भूमिका जी आई और चली गई, अवार्ड आपने देखा ही होगा, सभी लोग खुश होकर ही जा रहे हैं। तो जो भी प्रतिभाएं थी जिनको हमने अवार्ड से सम्मानित किया, वो सभी लोग खुश थे, हमें भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हम आपका भी थैंक यू करते हैं। और जो लोग आए उन सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ मैं, धन्यवाद। सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद राज जी को और सीमान जी को, जिन्होंने तमस आइकॉनिक अवार्ड का आज शानदार आयोजन किया। यहाँ पर भूमिका चावला जी आई और उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, एक्टर्स को, भावी एक्टर्स को अवार्ड देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज के दिन जो ये अवार्ड शो हुआ, ये सच में लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, वो ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सके। और आज लोगों के बीच जो जोश था, वो जोश देखकर समझ में आ रहा था कि ये कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम था। सर मैं तामस के ओनर्स को कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से इवेंट हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आया है, लोगों ने बहुत तारीफ करी है, बस यही कहना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज इतनी अच्छा एक आइकॉनिक अवार्ड शो हो रहा है और आज कई सारे बिजनेसमैन ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, तो उन्हीं को सभी को अवार्ड मिलने वाला है, सो आई एम सो हैप्पी। राइट। अवार्ड एक इंस्पिरेशन है इंसान को आगे बढ़ने के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर वो बिजनेस में उनको कुछ अवार्ड मिलता है तो उनको एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए उनको मौका मिलता है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि सभी लोगों को आज यहाँ पे सबको अवार्ड मिल रहा है, सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे भूमिका जी से, मुझे उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एंड मॉर्निंग को भी अवार्ड शो, तो आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये खुशी।
भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ काफ़ी मैंने अमीषा पटेल वगैरह का शो किया है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वापस जुड़ा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया था, जस्ट मैंने रिसेंटली अभी लैंड किया। इन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को इन्वाइट किया, सादर आमंत्रित किया, तो मैं अवार्ड के लिए मेरे को बुलाया गया। सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस रिमी सेन, रिमी सेन को हम लेकर कर रहे हैं, और हम भी ये चाहेंगे कि हमारे साथ लाइक इवेंट में तो एक दूसरे के साथ सब मिलकर काम करते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि राज जी भी हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, और आगे हम इसी तरीके से उपाधि पे उपाधि प्राप्त करते जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल वन सेकेंड, थैंक यू सो मच। मैं थॉमस आइकन अवार्ड से थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो हमें ये स्टेज दिया वो बहुत बढ़िया है। मैं सूरत से बेस्ट साइकिलिस्ट अवार्ड के लिए मुझे चुना गया और मुझे ये अवार्ड दिया, और थॉमस आइकन अवार्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि थॉमस अवार्ड जो मुझे मिला है, और मैं इन्होंने जो टीम ने जो काम किया है उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने चुना और मुझे अवार्ड दिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। जो अवार्ड यहाँ फंक्शन किया है और ये हम लोगों को यहाँ इसमें सम्मानित किया गया है, मैं पूरी आयोजन समिति के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, और जो नई नई प्रतिभाएँ हैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक नई ऊर्जा आएगी। धन्यवाद। थॉमस टैलेंट स्पेयर्स कंपनी की ओर से काफ़ी अच्छा अवार्ड दिया गया है फिल्म प्रोडक्शन की ओर से, क्योंकि हमारा फिल्म प्रोडक्शन है, हम भोपाल से आए हैं काफ़ी दूर से इस अवार्ड्स के लिए। काफ़ी अच्छा ये इवेंट हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला, और मेरे साथ में मेरी वाइफ भी आई हैं, निक्की मालविया जी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, और हम दोनों बहुत खुश हुए इस अवार्ड को लेकर। थैंक यू सो मच थॉमस। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गौरी शाह, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन मॉडल जूनियर कॉलेज, एंड आई रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर बेस्ट लीडरशिप वुमेन आउटस्टैंडिंग अवार्ड, एंड दिस इज ट्रूली एन ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम थॉमस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थॉमस आइकॉनिक अवार्ड को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, और ख़ास करके भूमिका मैम को, जिन्होंने मुझे बेस्ट बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड दिया है। मेरा नाम सुनीता परिहार है और मैं इंदौर से आई हूँ। थैंक यू। देखिए ये जो अवार्ड है, हमें मिलकर के बहुत खुशी हुई है कि हमारे लिए भी ऐसे अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ललितपुर ज़िला सबसे पिछड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, बाकी तीन जगह से मध्य प्रदेश की सीमाएँ लगी हुई हैं, तो हमें लगता है कि हमारे लिए जो गंगौरा जी ने थॉमस अवार्ड दिया है उसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू। मिला है टी ओशन कंपनी को, मैं थॉमस को और आशीष अग्रवाल को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस सच सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दीपक सर को, जिनकी वजह से मुझे ये इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली है, और भूमिका चावला मैम के साथ मुझे अवार्ड लेने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच इंडिया, एंड थैंक यू थॉमस फॉर दिस अवार्ड। एक्चुअली हमारा ये उनके साथ में तीसरी एसोसिएशन है, वी आर इनटू ज्वेलरी बिजनेस, और इनके जितने भी शो होते हैं उसके साथ में सपोर्टिंग पार्टनर बन के आते हैं। सो दिस अवार्ड गोज़ टू मी फॉर बेस्ट ज्वेलरी, बट आई थैंक यू फॉर द मीडिया, थैंक यू थॉमस एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस टीम, थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रसन्नता हुई इस इवेंट, इस अवार्ड को लेकर, और आगे भी हम कई अवार्ड लेते रहेंगे, और सर
और अपनी कंपनी का नाम रोशन करते रहेंगे। और इसी पे आज का प्रोग्राम भी समाप्त हो चुका है, तो फिर वहाँ से लो ना यार बाइक आ जाएगा वो हमारी बोलते हुए आ जाएगा। यही इतनी दूर से बहुत खुशी हुई है और ऐसे अवार्ड्स होते रहें और जिसमें हम आते रहें और जाते रहें और अपने काम कराते रहें। धन्यवाद देना चाहूँगा थम्स आइकॉन को, राज्य को, क्योंकि मुझे इनवाइट किया है, मुझे इतनी खुशी मिली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य को, थम्स आइकॉन कंपनी को, सो फॉर इनवाइट मी, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेशन के लिए मुझे। एंड मुझे बहुत खुशी मिली अवार्ड लेकर, सो राज्य में बहुत खुश हूँ आपसे, एंड थैंक यू सो मच। मेरा काम है एल्बम सॉन्ग का, म्यूजिक एल्बम सॉन्ग बनाता हूँ मैं, तो जिसको भी अगर काम करना चाहते तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड राज्य से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो बिकॉज इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय, मैं स्नेहल बोधे, मैं डॉक्टर स्नेहल बोधे हूँ। मैं 2023 की एलिजेंस ग्लोबल क्लीन हूँ। अभी मुझे डॉक्टरेट का भी मिला है और मैं एक मॉडल हूँ, सेलिब्रिटी हूँ और मैंने बहुत से अवार्ड्स हासिल किए और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी मुझे गवर्नर है अपने सुभाष कही जी, उनके थ्रू भी मुझे अवार्ड मिला है अभी इसमें राजभवन में। तो थैंक यू सो मच, ये अवार्ड के लिए भी मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो बहुत राजी, ऑलवेज ऑनरिंग मी दिस अवार्ड और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर अगेन। पिछले साल भी मैं इस अवार्ड शो का पार्ट थी एंड आई एम सो ग्लैड अगेन आई एम द पार्ट ऑफ दिस अवार्ड शो एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई लाइक आई एम द फैशन मॉडल ऑफ द ईयर। आई एम टेकिंग दिस ऑनर एंड थैंक यू सो मच राजदी एंड एंटायर टीम ऑफ टीआई अवार्ड शो एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार, मुझे ये अवार्ड दिया गया है मैडम के हाथ से, बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड दिया गया है और मैं राजदूत सर को थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा, इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू राजपूत सर, और राजपूत सर बहुत अच्छे अच्छे नए नए टैलेंटेड लोगों को अवार्ड देते रहते हैं, मैं उनके पूरे सपोर्ट में हूँ और हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, उनके नेक्स्ट शो में भी मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर अभी नेक्स्ट अवार्ड हमारा 31st को भी है, 31st मार्च, महिमा चौधरी जी, तो आप सब भी वहाँ आमंत्रित हो, मीडिया आइए ज़रूर, आपको तो खबर पहले मिल चुकी होगी। यस, थैंक यू वेरी मच। थम्स आइकॉनिक अवार्ड, जो कि इस अवार्ड को लेके आज मैं बेहद खुश हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं राजपूत जी सर को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइटेड किया और मुझे ये अवार्ड दिया। रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो कि आज शो ऑर्गेनाइज हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से शो हुआ है और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक्ट्रेस पूजा पांडे, सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ और ये थैंक्स अवार्ड आज मुझे मिला है, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ जितने मेरे दर्शक हैं, जितने मेरा फैंस है, देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे ऐसे प्यार करते रहे। और मैं थैंक यू बोलती हूँ राज राजपूत सर को एंड शैलेश जी को, जो मुझे इस काबिल समझे और इस अवार्ड में बुलाया गया। तो थैंक यू सो मच एंड आप लोग से बताती हूँ कि बैक टू बैक आप लोग कुछ ना कुछ तो देखते रहते हैं और मैं चाहती हूँ आगे भी मेहनत करती रहूँ ऐसे अपने बॉलीवुड की इंडस्ट्री को, और कोशिश करती हूँ अपने आप को, अपने करियर को उसमें प्रूव करूँ, स्ट्रॉन्ग बनूँ। तो यही है मेरा हार्ड वर्कर एंड हार्ड वर्कर, सॉरी अगर कुछ बोलने में गलती हो। ओके,